प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी बताने जा रहा हूं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा क्लास में बने रहिए, यानी इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि अगर समरी आपको पता नहीं है क्लास 12 का तो आपका सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है। एक समरी से ही बहुत कुछ क्लियर हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है, लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर हो सकता है, क्वेश्चन आंसर क्लियर हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पाठ समझ में आएगा एक समरी से। तो आइए हम लोग समरी पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक पाठ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस समरी को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक उल्लेखनीय निबंध है जिसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1869 एंड डाइड इन 1948। महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था और निधन 1948 को हो गया। ही रोट मेनी एसे इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उन्होंने बहुत सारे निबंधों को लिखा था, उस निबंध का एक हिस्सा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। महात्मा गांधी के अनुसार सभ्यता एक ऐसी आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है। इट इज रेफर्स टू गुड कंडक्ट, यह अच्छे आचरण को भी बतलाती है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मटेरियल एंड फिजिकल हैप्पीनेस। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वह भौतिकता और शारीरिक खुशी पर ही टिकी हुई है। फर्दर ही कंपेयर्स ह्यूमन माइंड इज अ रेसलेस बर्ड। आगे वह हमारे दिमाग की तुलना एक बेचैन पक्षी से करते हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जिसको जितना अधिक मिलता है उतना ही वह चाहता है। सो कंट्रोल ऑन आवर माइंड एंड वांट्स, इसलिए हमें अपने चाहतों पे, हमें अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण करना होगा, तब जाकर अपने सभ्यता को हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, इन द फूल एसे बापू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी इस पूरे निबंध में महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता की सुंदरता और पश्चिमी सभ्यता की नकारात्मक पहलू के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज द ब्रिलियंट एसे विथ मेनी लेसन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह बहुत सारे पाठों का एक बहुत ही सुंदर निबंध है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को रिप्ले कर दोबारा इसको देखिए, समझिए, ताकि आपका एक चैप्टर जो है ना क्लियर हो सके। सो थैंक यू एवरीवन।